दिल ही तो है सीजन टू में वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ कोर्स अभी टीवी वाला प्रेशर नहीं है सो वेब कंटेंट है बहुत पेसी है फास्ट है एंड आई थिंक आई जस्ट एक्चुअली मैं दूसरा इंटरव्यू देती तब मुझे आया हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री विद विजय सर इन दिस सीजन तो वीपी एंड पलक वुड हैव अ वेरी नाइस रिलेशनशिप एंड सो द रिलेशनशिप हैव इवॉल्वड एंड दे आर वेरी नाइस लाइक इट वुड बी अ प्रीटी सॉर्ट हाउ थिंग्स वुड बी सॉर्टेड आउट अभी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे अभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी सीजन टू में एंड पहले था कि फ्रेंडशिप एंड यू नो प्रॉब्लम्स एंड यू नो पैशन था अभी हेट है एंड हेट से वापस प्यार और वो हेट वाली केमिस्ट्री जो है आई थिंक दैट्स डिफरेंट इन सीजन टू एंड ऑफ कोर्स बच्चे हैं सो दैट्स डिफरेंट आई एम प्लेइंग अ मदर एंड अ क्रेजी मदर किड्स आर क्रेजी सो शी इज ऑलवेज बिजी डूइंग सम वर्क डूइंग समथिंग फॉर द किड्स एंड सो या इट्स वेरी डिफरेंट बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है पलक इस बार मैं आई थिंक दिली तो है मैं वो पलक और ऋत्विक की जो एक मैजिकल केमिस्ट्री थी द वे दे मेट यू नो दे इनिशियली हेटेड ईच अदर देन दे फेल इन लव इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी जब आप किसी को प्यार करते हो और आप उससे बिछड़ जाते हो और जब आप उसको कुछ साल के बाद मिलते हो तो एक बहुत ही अलग यू नो स्पार्क होता है I think you will get to see that because season one जो खत्म हुआ था वो एक ऐसे point पे खत्म हुआ था जहाँ पर कि ये लोग बिछड़ गए थे so there's a lot of anticipation to how they will meet and you know what will the love story be like at the end of the day it is a love story but as Yogita said कि telecast issue you know pressure नहीं था हमारे ऊपर और तो उसकी वजह से हमारे को अच्छा time मिला है पूरा शो बनाने का एंड वी मेड इट इन अ वेरी लविंग वे मेरा जो किरदार है वो है पलक की बेस्ट फ्रेंड का जो कि उसका सपोर्ट सिस्टम बनाती है जैसे ऋत्विक और पलक है ऋत्विक की फैमिली है ही एज अ ह्यूज फैमिली बट पलक के लिए सिर्फ मैं हूँ मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ और उसको हर चीज़ में एडवाइस करती हूँ आई एम बाई प्रोफेशन आई एम प्लेइंग द जर्नलिस्ट एंड फॉर मी दिस रोल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये जो लड़की है ये बहुत आउटस्पोकन है बहुत लाइवली है बहुत फन है और बहुत ज़्यादा मतलब जो पूरी स्टोरी है उसमें काफ़ी सीरियसनेस है बहुत बिकॉज यू नो इट्स लव हेट रिलेशनशिप तो काफ़ी जो पूरी स्टोरी जो इतनी सीरियस है उसको थोड़ा लाइटर टोन पे ले जाने के लिए माय कैरेक्टर इज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इस सीज़न में पलक और ऋत्विक को मिलाने के लिए उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ है उसमें आई एम वन ऑफ देम सो या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आई थिंक वंस यू सी इट यू नो एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें